अलवर में यादव वर्सेस यादव की लड़ाई है। बीजेपी के दिग्गज नेता भूपेंद्र यादव को टक्कर देने वाले हैं कांग्रेस के ललित यादव। कांग्रेस के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता ललित यादव से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। ललित जी, आपको मालूम है कि आपका मुकाबला एक बीजेपी के बड़े नेता से है जो कि दो टर्म राज्यसभा में रह चुके हैं। हाँ, मुझे पता है कि जिनसे मुकाबला, वो भी मेरी तरह सामान्य व्यक्ति हैं, कोई देवी देवता नहीं है। जनता फैसला करती है, जनता बड़ा बनाती है, तो बड़ी तो जनता है, तो मुझे सब चीज़ों का पता है, मैं सब चीज़ों से अवेयर हूँ। आप अपने लिए सबसे बड़ा एडवांटेज किस चीज़ को मानते हैं? मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, लोकल हूँ यहाँ का, और लोगों में मेरी पकड़ है, उनसे मिलना जुलना है, उनको ऑलरेडी पहले से सब लोगों को मैं जानता हूँ, तो ये मेरे लिए यहाँ अलवर में जो है विशेष चीज़ है। कांग्रेस में एक चीज़ बार बार कही गई कि बहुत बड़े चेहरे नहीं चुनाव लड़ने आए, कैंडिडेट चुनने में बहुत देर हुई, क्या ये सब बात में कोई दम है? नहीं, कोई दम नहीं। देखो, हमारे यहाँ पार्टी ने सर्वे किया और सर्वे करके पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। मैंने टिकट मांगा भी नहीं, लेकिन सर्वे में बहरोड, मुंडावर, किशनगढ़, तिजारा, पूरे ज़िले के लोगों ने, हमारे लीडरशिप के लोगों ने कहा कि ललित यादव को चुनाव लड़ाओगे तो 100% जीतेगा चुनाव, तो उन्हीं की आवाज़ पे, जनता के खलक की आवाज़ थी, उससे मुझे टिकट दिया है। तो ये बात किसने कह दी कि बड़े नेता नहीं लड़ना चाहते? जहाँ जहाँ हमारे पास मजबूत कैंडिडेट्स थे वहाँ लड़ाए सबको। यहाँ दो यादवों की लड़ाई है, भूपेंद्र यादव वर्सेस ललित यादव, इसको कैसे देखते हैं? क्या यादव ज़्यादा है इसलिए? जब जब भी कांग्रेस पार्टी से यादव लड़ा है तब तब चुनाव जीता है। आज से पहले के लगभग इतिहास यही कह रहा है कि आमने सामने दो यादव लड़े हों, कांग्रेस का यादव चुनाव जीतता है। तो मुझे 100% विश्वास है कि मैं बड़े अंतर से चुनाव जीत रहा हूँ और जनता मेरे साथ में, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में, तो निश्चित रूप से चुनाव का परिणाम बहुत चौंकाने वाला आएगा और हमारे पक्ष में आएगा। आपने कहा आप लोकल हैं, तो फिर यहाँ के समस्या से भी अवगत होंगे। मैं जितने लोगों से यहाँ मिला हूँ, एक चीज़ कॉमन है कि पानी नहीं है, डार्क जोन है, इसका कोई रोड मैप है आपके पास? देखो, पानी के लिए मैं गांव में सुन रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने गांव-गांव में जाके कहा कि हम आपको नहरी पानी पिलाएंगे। मैंने गाँव में सबसे, कल मैं गया तो मैं वायदा करके आया हूँ कि मैंने कहा केंद्रीय मंत्री बताते हैं और इनकी सरकार केंद्र में है, वो नहर लाने की बात कह रहे हैं, ये नहर ला देंगे अलवर में, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर मैं चुनाव जीता तो, और मैं इनके साथ लग जाऊंगा अलवर के भविष्य के लिए। मुझे अलवर के डेवलपमेंट के लिए अगर मेरे अपनों से मुझे लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा, लेकिन झूठी बात नहीं चलेगी। झूठ बोल रहे हैं, सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। ये श्रम रोजगार मंत्री रहे, एक व्यक्ति को रोजगार देने का काम उन्होंने नहीं किया। ये हमारे कुछ वैसे भी लोग गए, मैं कल एक मेरे गाँव में था, DMIC हमारे एक मुद्दा था, तो उसको लेकर हमारे लोग मिले, तो उनसे भी बहुत अच्छे से रेस्पॉन्ड नहीं किया। तो ये सब लोग जान रहे हैं, अलवर के लोग सब सिंह द्वार हैं और यहाँ के लोग बहुत होशियार लोग हैं, तो इसलिए फैसला सब लोगों ने कर लिया। भूपेंद्र जी ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, 10 सालों में, 12 सालों में कितने लोग उनसे मिलने गए तो उनको किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया, ये सब चीज़ चुनाव में आदमी के सामने आती है। आपने 20 साल पहले किसको क्या कहा था, जब चुनाव लड़ोगे तो आपके सामने आएगा, उनके सामने सारी चीज़ आ रही है। एक अंतिम का सवाल है कि बात आके वहाँ पर टिक जाती है कि मोदी के नाम पर, मोदी के गारंटी पे प्रत्याशी कौन हो जाता, तो आपकी लड़ाई जो है वो सीधे प्रधानमंत्री से मानी जा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी से लड़ाई 2 बार कैंडिडेट की हो गई, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ऐसा सुना है हमने, 2 बार चढ़ ली। अब की बार जनता ने फैसला किया और विशेष रूप से जवानी के लोगों ने फैसला किया। जवानी के लोग आ खड़े होकर मोदी मोदी बोलते थे, उन्होंने बाइकाट कर दिया क्योंकि उनके साथ छलावा किया इन 10 सालों में। 2 करोड़ रोजगार के लिए कहा, कुछ नहीं दिया उनको, ये कहा गया कि आपके भविष्य ठीक करेंगे, कुछ नहीं किया उनको। 4 साल का आपने अग्निवीर दे दिया, 17 की उम्र में भर्ती, 21 में वो सेवानिवृत्त, और अगर वो देश के सेवा करते शहीद हो गया तो उसके तन पर तिरंगा भी नहीं। अब जवान समझ गया है, अब हिंदुस्तान का जवानी का साथी है, वो इस बात को मान चुका कि मोदी जी केवल भाषण वीर हैं। मैंने कल पूछा मेरे पूरे इलाके में, आपके गांव में क्या हुआ, आपकी तहसील में क्या हुआ,
आपके जिले में क्या हुआ इन 10 सालों में, तो मुझे सब लोगों ने ये कहा कि 0% काम हुआ। अब हमारे किस काम की बताओ, मोदी के नाम करके किस बात से जनता को फायदा हो रहा है? ज़्यादा देर तक आदमी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता, सब व्यक्ति को सब समय के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपने बना लिया खूब टाइम, अब नहीं पड़ेगा। ये मोदी, ये भूपेंद्र जी थे ना केंद्रीय मंत्री, तब नहर क्यों नहीं लेके आए, तब इन्होंने काम क्यों नहीं किया? आप देखिए कि 70 साल लगे पेट्रोल डीजल को 70 रुपये पहुँचने में, और इन्होंने 10 सालों में 35 बढ़ा दिया। दो बार से 25 की 25 बीजेपी जीत रही है। पिछली बार तो आपकी विधानसभा में मतलब सरकार बनी गहलोत साहब की, फिर भी 25 जीती। इस बार क्या हैट्रिक को तोड़ रोक पाएंगे आप लोग? मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, अलवर सीट हम लोग जीत रहे हैं, और राजस्थान में भी बहुत पॉजिटिव हमारे पक्ष में माहौल बना हुआ है। आधे से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे, और पूरे देश में भी जो 400 पार की लोग बात कर रहे हैं, इनकी हवा निकल गई 400 पार की। जैसे ये तो एक जुमला दिया है लोगों को, हरियाणा में लोगों ने कहा 70 पार 70 पार, तो इनकी मुश्किल से सरकार बनी थी। अब 400 पार का नारा देकर ये बहुमत लेना चाहते हैं, लेकिन जनता सब समझ रही है अब की बार इनको पूर्ण बहुमत भी नहीं मिल रहा वहाँ। हो सकता है हमारा इंडिया अलायंस का सरकार हमारा बने 100%।